हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बिहार में हुए किसान आंदोलन और बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो इन दोनों टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी एमसीक्यूज को इस वीडियो में डाला हुआ है। तो आप भी अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि ये दोनों टॉपिक आपका कितना कंप्लीट है। अगर ऐसे सवाल प्रीलिम्स में आ जाते हैं इन दोनों टॉपिक से तो आप उसको कितना सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, जो कि है बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी। चार मार्च 1929, 4 मार्च 1928, 4 मार्च 1930 या 4 मार्च 1927। तो जो बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना की गई थी वो की गई थी 4 मार्च 1928 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 मार्च 1928। 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई थी। राजेश्वर चौधरी, नंद कुमार सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर या स्वामी सहजानंद। तो मुंगेर में जो किसान सभा की स्थापना हुई थी वो शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में उसको स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ। फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 या अप्रैल 1932। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था मार्च 1929 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, के निम्नलिखित में से बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर या बाबू श्रीकृष्ण सिंह। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बिहार में किस जिले में सिंचाई के लिए नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे। शाहबाद जिला, पटना जिला, भागलपुर जिला या सारण जिला। सिंचाई के लिए नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन, तो ये आंदोलन जो हुआ था वो शाहबाद जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। स्वामी सहजानंद, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद या श्री यदुनंदन शर्मा। तो गया में जो बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुई थी उसकी अध्यक्षता की गई थी पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नवंबर 1935 में हाजीपुर में तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में किसकी अध्यक्षता में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन या श्री कृष्ण सिंह। तो हाजीपुर में जो तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था तो वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो वो हुआ था स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में, और इसमें जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति का गठन किया था। स्वामी सहजानंद, पुरुषोत्तम दास टंडन, जगदीश प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जो थी वो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति का गठन किया था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन है किसान नेता नहीं थे। स्वामी सहजानंद, श्री यदुनंदन शर्मा, सूर्यनाथ चौबे या श्री गंगा शरण सिंह। तो जो किसान नेता नहीं थे वो थे सूर्यनाथ चौबे, ये किसान नेता नहीं थे। बाकी तीनों जो थे, स्वामी सहजानंद, यदुनंदन शर्मा और गंगा शरण सिंह, ये किसानों के लिए जो थे आंदोलन करते थे या किसानों के हक के लिए आवाज उठाते थे। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1936 में बीहपुर में प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद, उपर्युक्त ये ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों, जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद, इन दोनों के द्वारा जो बीहपुर यानी कि भागलपुर में नवंबर 1936 में जो प्रांतीय किसान सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता की गई थी जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा इन दोनों के द्वारा मिलकर 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो औपचारिक स्थापना हुई थी वो हुई थी अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। तो 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा जो थे, ये सब मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था और यही संगठन आगे चलकर औपचारिक रूप से बिहार सोशलिस्ट पार्टी बन गई 1934 में। और ये कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या राम वृक्ष बेनीपुरी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे नरेंद्र देव, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 14 अप्रैल 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित की गई थी? पटना, गया, इलाहाबाद या आरा? तो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन जो आयोजित किया गया था वो गया में किया गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के नातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ या बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ? तो स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, वो बिहार में किसानों के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक कहाँ आयोजित हुआ था? तो वर्ष 1921 में, वर्ष 1934 में, वर्ष 1935 में या वर्ष 1939 में? तो बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो हुई थी उसका प्रथम बैठक आयोजित हुआ था वर्ष 1934 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय दिया जाता है जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा की पाश्चात्य शिक्षा को, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को या ब्रिटेन की लेबर पार्टी को? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी या साम्यवादी? तो श्री नरसिंह नारायण जो थे वो क्या थे? वो थे एक समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस, किसान सभा, समाजवादी या रायवादी? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, ANN रंगा, PC जोशी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो की गई थी वो की गई थी स्वामी सहजानंद के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद नेता थे जनजातीय लोगों के, किसानों के, जमींदारों के या मजदूरों के? तो स्वामी सहजानंद जो नेता थे वो किसानों के नेता थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था, जबकि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक संगठन के रूप में वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने मिलकर किया था। निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? रंजीत सिंह, जीतन दास, राम बुहारिया देवी या फूलन प्रसाद वर्मा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है फूलन प्रसाद वर्मा, ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार में किसान आंदोलन को जागृत किया गया? रामानंद मिश्रा, जदुनंदन शर्मा, मन्नू गोंड या चिंटू पांडे? तो बिहार में किसान आंदोलन को जो जागृत किया गया था वो किया गया था जदुनंदन शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने दरभंगा राज के खिलाफ आंदोलन किया था, तो किसकी अध्यक्षता में आंदोलन किया था, किसके नेतृत्व में आंदोलन किया था? स्वामी अच्युतानंद, स्वामी विद्यानंद, उमाकांत सहाय या स्वामी सहजानंद? तो दरभंगा राज के खिलाफ मधुबनी जिले में जो आंदोलन हुआ था वो किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा।
तो इन्हें विभूशरण, इनका असली नाम था विभूशरण प्रसाद और ये स्वामी विद्यानंद के नाम से प्रसिद्ध थे। तो इन्होंने ही जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने दरभंगा राज के खिलाफ आंदोलन किया था इन्हीं की अध्यक्षता में स्वामी विद्यानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे, नवंबर 1930, नवंबर 1929, नवंबर 1928 या 4 मार्च 1928। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी नवंबर 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कुछ जमींदारों द्वारा कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब की गई, सितंबर 1934, सितंबर 1932, जनवरी 1936 या दिसंबर 1930। तो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में की गई थी सितंबर 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, श्रीकृष्ण सिंह या जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 2 और 3, यानी कि अब्दुल बारी और श्रीकृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे। तो ये जो थे 28 प्रश्नों का कुल संग्रह है जो कि बिहार में हुए किसान आंदोलन से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।